संग्रहा में 114 लर्निंग लाइसेंस धारकों ने पास किया ड्राइविंग टेस्ट। एसडीएम द्वारा 23 वाहनों की पासिंग भी की गई। उपमंडल मुख्यालय सगड़ा में शनिवार को हुए ड्राइविंग टेस्ट के दौरान 114 लर्निंग लाइसेंस धारक पास हुए। इस दौरान एसडीएम सगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी द्वारा एमवीआई जतिन मेहता की मौजूदगी में 23 वाहनों की पासिंग भी की गई। प्रदेश सरकार द्वारा जुर्माना दरें बढ़ाए जाने के कारण अब क्षेत्र में पहले से ज्यादा लोग जानकारी के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं। हालांकि यहां इस साल नियमित रूप से अथवा हर माह ड्राइविंग ट्रायल होने के कारण इस बार पहले की तरह हेलीपैड पर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। ड्राइविंग टेस्ट के दौरान प्रशासन द्वारा सभी लोगों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। एसडीएम सगड़ा डॉक्टर विक्रम नेगी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिए वीडियोग्राफी भी करवाई गई। वाहन अधिनियम की अवहेलना, सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने तथा धूम्रपान के लिए सगड़ा पुलिस द्वारा कुल 7 लोगों के चालान किए गए। कस्बे में ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे मुख्य आरक्षी खुशाल चंद द्वारा जहां एमबीएफ की वॉयलेशन के लिए 4 लोगों के चालान किए गए, वहीं पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग के लिए भी एक शख्स का चालान हुआ। इसके अलावा थाना प्रभारी मेहर चंद द्वारा आज मास्क न पहनने के लिए भी 2 लोगों के चालान काटे गए तथा 500 रुपए की जुर्माना राशि वसूल की गई। प्रदेश सरकार द्वारा एमबी एक्ट के तहत जुर्माना दरें बढ़ाए जाने तथा केवल सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को ही चालान भुगतने के लिए अधिकृत किए जाने के बाद अब यहां लोग पहले की तरह सेम डे में जुर्माना अथवा चालान नहीं भुगत रहे हैं। स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार लोगों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तथा एमबी एक्ट के प्रति पुलिस लगातार जागरूक भी कर रही है।